राजधानी में देर रात प्रिंस क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चली है और इसी को लेकर जो सुबह है तेलीबांधा टीआई समेत कई अधिकारी यहां पर प्रिंस क्लब में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई है हम इस पर जानने के लिए हमारे साथ तेलीबांधा प्रभारी रमाकांत साहू हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई यहां पर की जा रही है और क्या कुछ रात को घटना हुई थी। सर रात को आप लोगों को क्या किसकी सूचना मिली थी और किस तरह की घटना? रात लॉकडाउन के दौरान रात में पेट्रोलिंग पार्टी की सूचना मिली थी, कोई बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। मौके पर चेक किया गया था तो बर्थडे पार्टी वहाँ पर किसी एक रूम में सजावट थी बर्थडे से संबंधित, और वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं पे आ गया था। दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान हितेश पटेल के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके विवेचना की जा रही है। अभी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी चूंकि लॉकडाउन का उल्लंघन होटल संचालकों के द्वारा की गया, इसलिए होटल संचालकों के विरुद्ध 188, 269 और 270 महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा होटल को सील करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्या आरोपी गिरफ्तार? 5 आरोपी, इसमें होटल संचालक, 3 मैनेजर एवं हितेश पटेल, इस तरह से कुल 5 गिरफ्तारी अभी की गई है। शेष के खिलाफ आगे की विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या हुआ था सर? क्या आपके बर्थडे पार्टी के दौरान किस तरह का विवाद था? बर्थडे पार्टी की सूचना थी, बर्थडे पार्टी से कुछ लोग निकले हुए थे, जिसमें 2 महिलाएं थी जिनका जो पार्सल लेने युवक आया था उससे कुछ कार के दरवाजा खोलने और बंद करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसी दौरान हितेश पटेल द्वारा गोली चलेगी। क्योंकि पूरी राजधानी में लॉकडाउन का माहौल है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है और पहरेदारी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी इस तरह का व्यापार और इस तरह की पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली थी और मौके पर पहुंच करके ये कार्रवाई की गई थी। होटल संचालक के द्वारा सभी होटल के जो दरवाजे हैं, बाहर का गेट है, वो बंद करके और लाइट बंद करके चोरी छुपे इस तरह की कार्रवाई की गई, इसलिए लॉकडाउन उल्लंघन कार्रवाई इसके खिलाफ की गई। संचालक से भी पूछताछ की जाएगी? जिसने सभी संचालक है सभी के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया, पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ तेलीबांधा TI रमाकांत साहू हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि जो भी इसमें आरोपी है और जो भी संलिप्त थे उनसे पूछताछ अभी की जा रही है और साथ में सील करने की भी तैयारी होटल को की जा रही है। रायपुर से NPG न्यूज़ के लिए संदीप कुमार।